छत्तीसगढ़ के सुकमा में रविवार देर रात सीआरपीएफ जवान ने अपने साथियों पर AK-47 से फायरिंग कर दी। घटना में 4 जवानों की जान चली गई है जबकि 3 लोग घायल हैं। इनमें 2 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें चौपर सरायपुर रेफर किया जा रहा है। घटना के बाद आरोपी जवान को हिरासत में ले लिया गया। अभी तक फायरिंग का सही कारण सामने नहीं आ पाया है। जानकारी के मुताबिक घटना कौटा विकासखंड के ग्राम लीगनपल्ली स्थित 217 बटालियन कैंप की है। देर रात करीब 3:15 पर सीआरपीएफ जवान रितेश रंजन ने अपने साथियों पर अचानक फायरिंग कर दी। गोली लगने से 2 जवानों की मौके पर ही जान चली गई। वहीं इसी कैंप में 85वीं बटालियन के जवानों का भी कैंप है। देर रात गोली चलने से हड़कंप मच गया, अन्य जवान दौड़कर मौके पर पहुंचे। इसके बाद अफसरों को जानकारी दी गई। घायल 5 जवानों को कैंप से करीब 11 किलोमीटर दूर तेलंगाना स्थित भद्रचालम के अस्पताल ले जाया गया। वहां पर इलाज के दौरान 3 जवानों ने दम तोड़ दिया जबकि 2 अन्य की हालत गंभीर देखकर उन्हें चौपर से रायपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश या मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आरोपी जवान ने फायरिंग की है। एक दिन पहले भी उसका साथी जवानों से विवाद हुआ था। आरोपी जवान कई दिनों से परेशान था। फायरिंग की घटना में मारे गए 2 जवान बिहार के रहने वाले थे जबकि 1 पश्चिम बंगाल का निवासी था। 4थे जवान को लेकर अभी जानकारी नहीं मिल सकी है। मृतक जवानों में बिहार निवासी धांची और राजमणि कुमार यादव और पश्चिमी बंगाल निवासी राजीव मंडल के अलावा 1 अन्य जवान धर्मेंद्र कुमार शामिल हैं। इसके अलावा जवान धर्मेंद्र कुमार सिंह, धर्मात्मा कुमार और माल्य रंजन महाराणा घायल बताए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ से खबर सामने आई है जहां पर एक जवान ने अपने साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिसमें 4 जवानों की जान चली गई है, 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि उसने क्यों गोली चलाई है इसके पीछे का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन गोली चलने से जो आसपास के कैंप थे उसमें भी हड़कंप मच गया।